नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तंत्र मंत्र की दुनिया में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी मिलती है, अनेक प्रकार के टोने टोटके की जानकारी मिलती है, लेकिन दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो पेड़ पौधा होते हैं, जड़ी बूटी होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा पावर छुपा होता है, बस इसे हमें पहचानना आना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा जो कि प्रायः हम हिंदू भाई के घर में रहते हैं और ये कोई साधारण पौधा नहीं, हम इसे देवी मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। जी हाँ मित्रों, आप सभी सही जान चुके हैं, आज जो जानकारी बताने वाला हूँ तुलसी के पौधा के बारे में। जी हाँ मित्रों, जिसके गले में यह होता है ये बिल्कुल युवा व्यक्ति धनवान बन जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने इस जड़ की प्रशंसा की एवं इससे दुर्भाग्य दूर करने का चाबी बताए। जी हाँ मित्रों, तुलसी की जो जड़ है इसके नीचे स्वयं भगवान विष्णु जी शालिक राम के रूप में निवास करते हैं, कई लोग इसे शालिग्राम भी बोलते हैं। तो आप सभी दर्शकों को आज के वीडियो में तुलसी के फायदा के अनेक चमत्कार बताने वाला हूँ। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो हो सकता है बाद में आपको नुकसान साबित हो, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है वीडियो होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो जो ज्ञान है बाद में चल करके काम आते हैं। इसका प्रयोग बताने जा रहा हूँ तुलसी के जड़ के, किसी पेन कॉपी में नोट करके जरूर रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला इसका फायदा है, जो लोग अगर नवग्रह के दोष से परेशान है, राहु केतु शनि मंगल किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं, इसमें से कोई भी नवग्रह से परेशान है, कोई भी ग्रह से परेशान है, तो इसके दोषों को शांत करने के लिए तुलसी की जड़ ताबीज में भर करके अवश्य धारण करें। किसी भी दिन रविवार के छोड़ करके किसी भी दिन नवग्रह के दोष से बचने के लिए तुलसी की जड़ को चांदी के ताबीज में भर करके पहनने से नवग्रह के दोष शांत होते हैं। दूसरा, नकारात्मक शक्ति को ये सोखने का काम करता है, बिल्कुल ही नकारात्मक शक्ति को जो तुलसी के जड़ होता है शून्य कर देता है, प्रभावहीन कर देता है। अगर आपको निरंतर नजर दोष लगता है, टोने टोटके से परेशान रहते हैं, आए दिन आपको कोई तंत्र बाधा लग रहे हैं, तंत्र बाधा कर रहे हैं, तो तुलसी की जड़ ताबीज में भर करके अवश्य पहने, ये नकारात्मक शक्ति से हमेशा आपके बचाव करेंगे। तीसरा इसका बेनिफिट, इसके जड़ अगर घर के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाए, बांध दिया जाए, तो घर का बंधन हो जाता है, उस घर में नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत जो भी अवचारिक क्रियाएं घर में नहीं घुस पाते। चौथा, ये धन प्रदान करता है, इसके जड़ को चांदी के ताबीज में पहनने से धन आने का हर मार्ग खोल देता है, ये किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। इसका पांचवा प्रयोग, इसके जड़ का मिट्टी प्रतिदिन लगाने से जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाते हैं, ये हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाते हैं, सामने वाले हमें देख करके जल्दी से वश हो जाते हैं। इसके जड़ का मिट्टी अगर थोड़ी सी मात्रा में गल्ले में रखा जाए, घर में थोड़ी सी पानी में मिला करके छींटा मारा जाए, तो पूर्ण रूप से घर पवित्र हो जाता है, फिर जो घर पवित्र हो वहाँ पे लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है, फिर हमारे घर अन्नधन से भरने लगता है। इसका अंतिम प्रयोग, इसके जड़ और लक्ष्मणा की जड़, ये दोनों को अगर धन पेटी में रखा जाए तो घर में धन लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं, पूरे घर अन्नधन से भर जाते हैं, हमेशा उस घर में धन की वृद्धि होने लगती है। तो आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आप सभी दर्शकों के बीच में जो जानकारी बताया हूँ तुलसी के बारे में, ये जरूर पसंद आया होगा। आज के जानकारी पर समाप्त करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम।